ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान रजनीकांत माहेश्वरी जी यहां पर उपस्थित, हमारे सारे विधायक के प्रत्याशी गण, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, लक्ष्मी नारायण जी खड़े हो जाइए भाई, ताली बजाओ लक्ष्मी नारायण जी के लिए। श्री पूरन प्रकाश जी बलदेव के विधायक है, गोवर्धन के प्रत्याशी आगे राउंड है वहीं पर है, श्रीकांत जी भी मेरे साथ अभी राउंड में थे और राउंड में गए हैं, श्रीकांत जी भी आ गए हैं। और आज यहां विशेष जो वृंदावन मथुरा से संतगण उपस्थित है, इनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और आज इस छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण बैठक में आए हुए मथुरा वृंदावन के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं 2022 के यूपी इलेक्शन के हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने आया हूं, क्योंकि कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने एक छोटी सी मीटिंग करने की आचार संहिता बनाई है। भारतीय जनता पार्टी भी आचार संहिता का सम्मान करती है और हम सभी ने तय किया है कि इस प्रकार के संवाद के माध्यम से और संवाद को मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचाकर इस बार चुनाव प्रचार किया। मित्रों, आज मैं जब मथुरा में आया हूं, ये मथुरा वृंदावन गोवर्धन न केवल उत्तर प्रदेश, देश भर के लोगों का श्रद्धा केंद्र है, क्योंकि यही क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण बनने की प्रक्रिया की शुरुआत करी। कान्हा को श्री कृष्ण बनाने वाला क्षेत्र यही है। कहीं पर भी जाते हैं, अगर मालूम पड़ जाएगा, आप देश में कहीं पर भी जाइए, मालूम पड़ जाएगा वृंदावन से आए हैं तो तुरंत बोलेंगे राधे राधे, तुरंत बोलेंगे। और न केवल देश, दुनिया भर के अंदर समर्पण भाव के लिए राधा जी का जो कृष्ण के प्रति समर्पण था, जो भक्ति थी, उसके लिए कृष्ण के आगे भी आज हम राधा का नाम देते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। और ये भूमि, यही भूमि पर ढेर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वध भी हुआ। 3 महीने से लेकर 14 साल की आयु तक जितने भी असुरों को भेजा, प्रभु ने इसका संहार भी इस भूमि पर किया और धर्म की स्थापना करने का काम किया था। मथुरा की दिव्यता भव्यता लौटाना, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थस्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। और इस दिशा में 5 साल में ढेर सारे काम हुए, ढेर सारे कदम उठा गए। और मगर मैं इस पर जरा बाद में आऊंगा। सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से ब्रज क्षेत्र की समग्र जनता को मैं 2 हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, ब्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई दे। मैं तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां जुड़ा रहा। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था, 14 में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार। 17 में आया, हमने कहा
कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां पर जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण कर, और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए, उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था, आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मैं ब्रज क्षेत्र की जनता को कहने आया हूं, ये 7.5 साल में देश और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करूं। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा है, 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता, अगर विकसित नहीं होता ये प्रदेश तो देश का विकास भी पिछड़ा रहेगा। और अब तो हमारे यहां कहते हैं नैनिहाल में भोजन करने बैठो और मां परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई खाने में? आती है बताओ? अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा इसका चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी दूसरी जाति का काम करती थी, कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र है। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद परिवारवाद के लिए, चली तुष्टीकरण के आधार पर चली, और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को, अखिलेश बाबू नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है, हमने लोगों का जो पैसा था, लोगों का जो अधिकार था, उसको अपने घर में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को हम सब जानते हैं, मगर तनिक मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई?
जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है, कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और मित्रों, मैं आपको ये कहने आया हूं, सिर्फ 2000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति, ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने किया है। मित्रों, यहां पर कानून का शासन करने लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, मां बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए, अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई है। कितने प्रतिशत की? और अपहरण के अंदर 35% की कमी, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और अगर आप इसका जवाब देना चाहते तो जरूर दे दो, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमारा युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता अगर आपको आंकड़े दिखा जाएगा। ये जो दावे करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके शासन के अंदर सुशासन क्यों नहीं है, यहां कानून का राज क्यों नहीं आया? और मित्रों, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था खस्ता हाल, लाले पड़ गए थे तनख्वाह करने के, आज 5 ही साल में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। एक बार और आशीर्वाद दे दो राधे राधे कर, अगले 5 साल में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का काम भारतीय जनता। मित्रों, यहां बहुत सारी माताएं बहनें भी बैठी हैं, अब तो बोतल का जमाना आ गया है, परंतु पहले मटकी लेने जाते थे तो मटकी को ठीक से टकोरा लगाते थे या नहीं लगाते थे? जरा जोर से बोलो भाई, लगाते थे या नहीं लगाते? तो ये 100 रुपये की मटकी को टकोरा लगा लगा कर लेते हैं, 5 साल तक जिनको यूपी देना है इस पर तो एक बार टकोरा लगा देना। और अगर टकोरा लगाओगे तो जवाब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी पर ही आएगा। मित्रों, कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कबीर लोहा एक है गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशेर। लोहा ही होता है, गढ़ने में परिवर्तन हो, यही उत्तर प्रदेश था, यही पुलिस थी, मगर शासन किसके हाथ में है इसका परिवर्तन है। आज श्रीकांत शर्मा यहां बैठा है, श्रीकांत को मैंने मेरे साथ कार्यालय में काम करते हुए देखा है, इतने युवा कार्यकर्ता को इतने बड़े राज्य का हमने ऊर्जा मंत्री बना दिया जिले जिले में। मुझे बताओ भैया, जिले जिले में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? शहरों में 24 घंटा बिजली आती है या नहीं आती है? गांवों में 20 से 23 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? पहले आती थी क्या? आती थी क्या? तो कबीर साहब यही कहते हैं कि लोहे से
ढाल भी बन सकती है, शमशीर भी बन सकती है। शासन अगर अखिलेश के हाथ में है तो गुंडों का राज होगा, शासन अगर भाजपा के हाथ में है तो विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। मित्रों, हमने गुंडा राज से मुक्त किया है, आतंकवाद से मुक्त किया है, दंगों से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, यहां पर ढेर सारे काम यहां पर किए गए हैं, मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूं, कुछ जरूर बताऊंगा। भगवान परशुराम के नाम पर यहां प्रदेश में परशुराम पार्क का निर्माण हम कर रहे हैं, यहां पर वृंदावन के अंदर ढेर सारे काम भी हमने चालू किए हैं। मथुरा में भव्य कृष्ण महोत्सव का उत्सव कर दुनिया भर के यात्री मथुरा में आए, ये परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किलोमीटर में तीर्थ दर्श घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, राधाकुंड और गोकुल जैसे धामों को तीर्थ स्थान घोषित कर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की हमने स्थापना की है। ब्रज परंपराओं की सभी छटाओं, सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी भी चिंता यही समिति कर रही है और आने वाले दिनों में विश्व भर का पर्यटन यहाँ आए, इस प्रकार का हमने आयोजन किया है। बांके बिहारी मंदिर की 22 कुंज गलियों और कृष्ण जन्मस्थान के मार्गों का विकास, मैं पहले भी आया हूँ, आज भी बांके बिहारी की गलियों में जाकर आया हूँ, बहुत बड़ा अंतर देखकर मन को बहुत शांति मिली। बांके बिहारी मंदिर की 23 कुंज गलियों को भी विकास कर रहा है। लगभग मथुरा वृंदावन निगम क्षेत्र में 70,000 घरों को, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब घर है, उनको शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, अध्यात्म सर्किट, जैन सर्किट और सूफी सर्किट को भी चालू कर धार्मिक पर्यटन को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी की जब सरकार आई तब मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार देश के घरों करोड़ों गरीबों, आदिवासियों और दलितों की सरकार होगी, पिछड़े समाज की सरकार होगी, और मोदी सरकार ने 7.5 साल में इसको चरितार्थ कर दिखाया है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, अखिलेश भाई सुनते हो तो जरा जवाब दे देना कि आपके शासन में और बहन जी के शासन में 20 साल में ये सब क्यों नहीं हुआ था? ये मिले चलती ही रही और ढेर सारे उसके कारीगरों को और गन्ना किसानों को अपना भुगतान समय पर मिलता रहा। मित्रों, प्रदेश एक ही प्रदेश ऐसा है उत्तराखंड बनने के बाद भी जहां सबसे ज्यादा संत महंत विराजमान होते हैं, चाहे चित्रकूट हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन, ढेर सारे संतों महात्माओं का यहां डेरा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि यही तो भूमि है जहां से हमारी संस्कृति पनपी, महाभारत, रामायण, ये सभी इसी भूमि पर हुए। ढेर सारे अपने श्रद्धा केंद्रों का जीर्णोद्धार नहीं होता था। मित्रों, आप मुझे बताओ, मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे।
अखिलेश जी भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब दजा जब। मित्रों 70 साल से भारतीय जनता पार्टी मांग करती थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 उखाड़ कर फेंक देनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कश्मीर ये भारत का है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, पूरा देश इसके साथ सहमत था। मगर धारा 370 को वोट बैंक की लालच में कोई छूता नहीं था, आपने दूसरी बार सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक। और जो कहते थे संसद में मेरे सामने खड़े रहकर कहते थे खून की नदियां बन जाएगी, कंकर भी डालना नहीं था, पत्थर छोड़ो कंकर भी नहीं डाल। और आज वो कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि देश का भिन्न हिस्सा होकर गौरव के साथ भारत के नक्शे का हिस्सा है। मित्रों पहले देश की सुरक्षा को एक कांग्रेस सपा बसपा सभी लोग ताक पर रखते थे। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया बॉर्डर पर फेंसिंग की क्या जरूरत है, खोल दो। सहमत हो भाई आप? सहमत हो? अरे परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, काहे को चिंता करते हो आप? एक जमाना था कि आए दिन वहां से आलिया मालिया जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और पैरों से रौंद कर अपमानित करते थे। मोदी जी की सरकार बनी, उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, 10 ही दिनों में पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती और ये देनी भी चाहिए। और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा, आज सीमाएं उत्तर प्रदेश की भी नेपाल से सटी हुई, सीमांत राज्य, यहां पर भी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए, यहां पर प्रशासन कानून और व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं मित्रों, हमने सपा को भी दिखा है, बसपा को भी देखा है, राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी को भी देखा है, ये कोई रख सकता है क्या जवाब? तो ये जरा कोई ये उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? कश्मीर को संभाल सकते हैं क्या? ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है मित्रों, और कोई नहीं कर सकता। आप सब ने तय करना पड़ेगा, आप सब ने तय करना पड़ेगा कि आप व्यक्ति को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हो। आप सब ने तय करना पड़ेगा कि आप पार्टी को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और देश को अगर चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे इसको कोई सुरक्षित नहीं रख सकता मित्रों। अतः मेरा निवेदन है कि हर बार की तरह 2014, 2017 और 2019 की तरह मैं करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि हमारी झोली कमल के फूलों से भर दीजिए और बांके बिहारी की भूमि पर, मथुरा की भूमि पर, पवित्र भूमि पर खड़ा रहकर कहता हूं, हमारा वादा है कि उत्तर प्रदेश को सुरक्षित भी रखेंगे, सलामत भी रखेंगे, विकसित भी बनाएंगे और देश में नंबर 1 बनाएंगे। आप सभी लोग इतनी देर से बैठे हैं और मुझे शांति से सुना, हमारे सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद भी दिया, इसलिए अंत में करबद्ध होकर आपका धन्यवाद कर मेरी बात को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।